नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं सुदर्शन पर ओबीसी के नंगा नाच की अगली कड़ी। ओबीसी के नंगा नाच को लेकर हम आपके सामने रोजाना आ रहे हैं और विभिन्न विषयों के साथ आ रहे हैं, विभिन्न अतिथियों के साथ हम आपके सामने इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी जुड़े रहेंगे इस ओबीसी के नंगा नाच पर। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को क्या क्या लगता है, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या क्या उनकी अभिव्यक्ति है और उनके नजर में ये गुनाह कितना बड़ा है, ये दिखाने के लिए हम आपके सामने रोज, जब तक ओबीसी पर कार्रवाई नहीं होती, देश के विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवरों को लेकर आते रहेंगे। पत्रकार पहले लाए, वकील पहले लाए हमने आपके सामने, अब कवियों के बाद आज आर्मी के पूर्व अधिकारी हमारे साथ रहेंगे और उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि सीमा पर -35 और कई जगह पर 50 गर्मी का टेम्परेचर होते हुए इस देश की रक्षा करने वाले, जब देश के अंदर ऐसे गद्दारों के भाषण सुनते हैं तो उनको कितना दुख होता है, उनके साथ इस मसले पर पूरी चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम नजर डालेंगे जरा मुद्दे पर। पहले जिन्ना, फिर नवाब महमूद नवाज खान, फिर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, तस्वीरों में दिखाए गए हर शख्स ने हिंदुस्तान को बांटने का ही काम किया है और अब इसकी कमान संभाली है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में तोड़ने पर लगा हुआ है। अपने भड़काऊ भाषण से चर्चा में रहने वाला और लोगों को भड़काने वाला ओवैसी अब हैदराबाद की जनता को भड़का कर हैदराबाद को न सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुला हुआ है, बल्कि ये हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बनाने तक का सपना देख चुका है। इतना ही नहीं, ये तो यहाँ तक कह चुका है कि अगर मैं माइक छोड़कर हथियार उठा लूँ तो हिंदुओं का ऐसा नरसंहार करूँगा जो पहले किसी ने देखा भी नहीं होगा। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हाल है। इस देशद्रोही और देश के गद्दार ओवैसी का एक और नया खुलासा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ओवैसी की पार्टी के लिए फंडिंग करता है। जी हाँ, पाक सीमा पार से भारत में आतंकी भेज रहा है, तो वही ओवैसी जैसे देश के गद्दार देश में ही रहकर देश की बर्बादी की साजिश रच रहे हैं और आतंकियों को हैदराबाद में पनाह देता है। हैदराबाद पुलिस ने ऐसे ही दो आतंकियों को पकड़ा भी है जो अलकायदा की ट्रेनिंग लेकर हैदराबाद आए हुए थे। जिहाद के नाम पर भारत के मुस्लिमों को भड़का रहा है। इतना ही नहीं, देशद्रोही और गद्दार ओवैसी के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो देश में जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाक ओवैसी की पार्टी MIM के लिए फंडिंग करता है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो पाएंगे कि 1928 में उस समय के हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान ने इसकी स्थापना की थी और यह पार्टी 1948 तक हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के खिलाफ थी। वह इसका विलय पाकिस्तान में चाहता था या स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रहना चाहता था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जैसे ही कार्रवाई शुरू करी तो अधिकांश रजाकारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ मार डाले गए। दुनिया का सबसे घमंडी आदमी निजाम अपना समूह लेकर समझौते के खिलाफ सरदार पटेल की अगवानी करने स्वयं उन्हें लेने हवाई अड्डा गया। सरदार पटेल ने अपनी शर्तों पर निजाम से संधि करवाई। कासिम रिजवी को ऑपरेशन पोलो के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां वो 1957 तक सड़ता रहा। बाद में 1957 में वह माफी मांगकर पाकिस्तान भाग गया। 1947 से 1957 तक मजलिस पर प्रतिबंध रहा। इसी कासिम रिजवी की मजलिस पार्टी को 1957 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दोबारा से शुरू किया और वही अब्दुल वाहिद ओवैसी अकबरुद्दीन और असाउद्दीन का दादा था। अब असाउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बाप दादाओं और पुरानी मजलिस की राह पर चल रहे हैं, जहां एक ओर देश के जवान दिन रात कड़कड़ाती धूप में सीमा पर अपने जान की परवाह किए बिना हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, वहीं दूसरी ओर ओवैसी जैसे देशद्रोही
हिंदुस्तान को तोड़कर हैदराबाद को इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुले हुए हैं। एक भाई अपने एमपी के पद का गलत इस्तेमाल कर पुलिस प्रशासन को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, तो वहीं दूसरा भाई कहता है कि अगर उसे हिंदुस्तान से जाने के लिए कहा जाएगा तो वो हिंदुस्तान की कई चीजें साथ में ले जाएगा। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फूटी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। एक बार फिर से ओवैसी बंधु उस राह पर निकल पड़े हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, वे हैदराबाद को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन ओवैसी भाइयों को समझ लेना चाहिए कि जब जब किसी ने देशद्रोह की कवायद शुरू की, तब तब देश की सेना ने उन्हें खदेड़ा है। अब समय आ गया है देश के नागरिकों के जागरूक होने का और ओवैसी जैसे देशद्रोही के दमन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नंगा नाच पिछले कई दिनों से आप सुदर्शन पर भी देख रहे हैं और हिंदुस्तान में खुलेआम राजनीतिक मंचों से, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से, जलसों से और हैदराबाद की जनता को तो 24/7 दिखने को मिल रहा है। और इस नंगे नाच पर अब हमारे साथ आर्मी के अधिकारी जुड़ गए हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डी पॉल, पूर्व आर्मी ऑफिसर हमारे साथ जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ रंजीत अहुवालिया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी जुड़े हुए लाइव पर, उनके साथ हम जुड़े रहेंगे और साथ में और भी अधिकारी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम बात करेंगे इस पूरे मसले पर। पॉल साहब, ये भाषण आपने सुने, पहले भी सुने होंगे और अभी भी आपने सुना इस पैकेज के दौरान, एक आर्मी अधिकारी होने के नाते आप इसको कैसा देखते हैं? पहले तो मेरी अर्ज है कि मैं आर्मी अधिकारी नहीं हूं, मैं बड़ा सीनियर पुलिस अधिकारी हूं। आपके लिए कोई बात नहीं, मतलब मैं, लेकिन इसको मैं उस एंगल से देखना चाहूंगा जो एंगल मैं देना चाहता हूं उसके। देखिए, जहां तक हमारी गवर्नमेंट का सवाल है, हम हमेशा ये कहते रहे और कहेंगे भी कि हमारी एक सेकुलर गवर्नमेंट है। मैं चीफ रहा हूं रैपिड एक्शन फोर्स का। रैपिड एक्शन फोर्स को बनाने का क्या वजह थी? कुछ एक आदमियों ने अलीगढ़ में राजीव जी को यह कहा कि हमारे साथ जो सलूक होता है, दूसरी पुलिस वाले बड़ा नाजायज सलूक करते हैं, ये है वो है, हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो बिल्कुल किसी तरफ भी ना हो, एब्सोल्युटली न्यूट्रल हो। तो उन्होंने कहकर रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना की, जिसका मैं चीफ बॉस में बना। इसके बावजूद भी, जबकि मैं चीफ रैपिड एक्शन फोर्स का, जिसका मतलब भी था न्यूट्रल होने का, मैंने खुद देखा है कि इनके जो कहने और कटने की जरूरत है, वासी साहब कहते कुछ है, एक स्टेज पे इन्होंने कह दिया कि हमें पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए। हाँ। हम सेकुलर एक किस्म की पार्टी है। और दूसरी तरफ सेकुलर कहते कहते जब वहां पे इनके पास कहीं स्टेज के अंदर, एक से बार इन्होंने कहा कि तलिस्मा नसरीन को ये काफर है क्योंकि उसने कुछ किताब लिखी है जिसमें कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखा गया है, उसको कत्ल कर दिया जाए। रशदी साहब, उनके खिलाफ इसने बयान दे दिया सलमान रशदी लिटरेचर के, कि उनको खत्म कर दिया जाए। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बड़े सेकुलर हैं, दूसरी तरफ से जो सेकुलर, थोड़ी सी मुसलमान कोई सेकुलर बात करने की कोशिश करता है उसको ये कत्ल की धमकी देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये डबल गेम जो प्ले करते हैं वासी साहब, उससे समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है, जैसे आपने सुनाया और जैसे मुझे भी मालूम है कि ये हर वक्त किसी न किसी ऐसी कम्युनल एंगल से बात करते हैं, जैसा उकसाते हैं लोगों को। जैसे इन्होंने कह दिया कि 250 मिलियन जो हमारे मुसलमान हैं, 1 मिलियन हिंदू, उसको 15 मिनट में खदेड़ देंगे अगर पुलिस साथ ना हो। एक तरफ ये कहते हैं, अभी आपने सुना कि यहां क्या रहे। तो इस किस्म की जो इनकी तस्वीर सामने आती है, तो मुझे सिर्फ ये हैरानी होती है कि इतनी दफा इनको गिरफ्तार किया गया, इतनी दफा इससे पहले भी हुआ, तो ये सारी कम्युनल इंसाइटमेंट के बावजूद इसके खिलाफ टोटल तौर पे परमानेंट एक्शन क्यों नहीं लिया जा। और इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आप तो रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख थे, तो ऐसे व्यक्ति रैपिड एक्शन के फोर्स का के प्रमुख के तौर पर इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये समझता हूं कि इस केस के अंदर परमानेंट एक्शन जरूर होना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। आप देखिए, जितना जितना आप इनको ढील देते जाएंगे, ये नासूर बढ़ता जाएगा। आपने सिम्मी खड़ा किया,
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको फ्रंटल शेप दी गई कि स्टूडेंट इस्लामिक एक सेकुलर मूवमेंट है, ये एक सिमी है जो कि स्टूडेंट्स की मूवमेंट है। इसके अलावा एक दफा इसके ऊपर बैन लगा, साबित किया गया कि एक कम्युनल मूवमेंट है, इसके ऊपर बैन लगा। छह महीने के बाद हमारी जुडिशरी इसके ऊपर बैन छोड़ दिया, फिर सात महीने के बाद बैन लगा, फिर छोड़ दिया। इस तरह से कम अज कम 12 के तकरीबन 10 से 12 दफा इस पर बैन लगा, 10 12 दफा इसको छोड़ दिया गया। अब वही सिमी जिसके ऊपर उस वक्त आपने काबू नहीं किया, आज वो सिमी का ये हालत हो गई है कि वो इंडियन मुजाहिदीन के तौर पर हम पे एक्शन कर रही है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक्शन सख्त तरीके नहीं लेते उस वक्त तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर इनकी जो टेररिस्ट टेंडेंसी है। मैं पंजाब में रहा हूं आईजी ऑपरेशन, तो हम यही कहते थे जो स्कॉर्पियन होता है, जो बच्चू होता है, उसको ऐसी फिश से पकड़ा जाए कि कुचल दो, अगर आपने थोड़ा सा ढील दिया तो आपको काट खाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो मैं तो समझता हूं कि इन हालात के अंदर जैसे कि सामने उनकी स्पीचेस आ रही हैं, और जो अभी उन्होंने जाके कहा है कि हमने 2 सीटें ले ली है महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में आपको मालूम है उन्होंने 2 सीटें ली हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो अगली दफा महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी इनमें इतना करूंगा कि मेरे पास सीटें ही सीटें आ जाएंगे। और ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इनको ये फिलिप दिया जाता है, इनको ये लिफ्ट दी जाती है, इनके अंदर वो कंट्रोल जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इसलिए जैसे पॉल साहब कह रहे हैं, इसको टाइम पर कुचला नहीं गया, और इसलिए ये निगलने के लिए अब नासूर बनकर, बल्कि डायनासोर बनकर कुछ भी गिलने को तैयार है। ऐसे में क्या हो सकता है? हमारे साथ रंजीत अहुवालिया जी जुड़े हुए। अहुवालिया जी, इसके भाषण आपने अभी सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे, पॉल साहब को भी आप सुन रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारे देश में कानून बिल्कुल उचित है, और काफी कानून है, जहां भी कोई भी एंटी नेशनल बातचीत करे, कोई भी एंटी नेशनल भाषण दे, तो उसके एक्शन लिया जा सकता है, और ये पुलिस और कानून का काम है। अगर कोई भी आदमी लोगों को इंसाइट कर रहा है कम्युनल बेसिस पे, एंटी नेशनल डायलॉग्स हैं, स्पीचेस हैं, हेट स्पीचेस हैं, ये ऑफेंस है, कानून के तहत एक ऑफेंस है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। उसमें कोई दो राय है ही नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी कम्युनल बेसिस पे क्राउड्स को इंसाइट करे, एंटी नेशनल एक्टिविटी करे, उसके अगेंस्ट देश के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आवश्यकता है स्पेशल कोर्ट बिठाई जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि सबके लिए सबक हो। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो बाकी जनों को भी उत्साह मिलता है, वो भी ऐसी हरकतें करेंगे। पहले एक कम्युनिटी करेगी, फिर दूसरी कम्युनिटी करेगी, कम्युनल राइट्स होंगे, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देश के लिए बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी जना जो देश के हित के बारे में बात नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त की जानी चाहिए। बिल्कुल। ये जो मजलिस इत्तेहादे मुसलमान है चौहान साहब, इसका आप हिस्टोरिकल देखिए, हिस्टोरिकल है कि रिपीटेडली ये कंट्रोवर्शियल स्पीचेस करते रहे, रिपीटेडली इन्होंने सेडिशन के स्पीचेस की, रिपीटेडली ऐसे स्पीचेस की जो वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री हुआ, रिपीटेडली इन्होंने ऐसी इन्फ्लामेटरी स्पीचेस की कि जस्ट के साथ इन्होंने ये कहा कि कम्युनल हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। ये सब होने के बावजूद इनके ऊपर एक्शन भी लिया गया, होने के बावजूद होने की वजह से एक्शन लिया गया, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो उस ग्रिप से, उन ताकत से नहीं लिया गया जिसमें इतनी एविडेंस दी जाए। मैं पुलिस अफसर हूं इसलिए मैं, उतनी एविडेंस से नहीं लिया गया इसको पकड़ के दिखावा के लिए दिया गया। मैं यही अर्ज कर, बिल्कुल, तब भी हमने, तब भी पॉल साहब, तब भी हमने 10 दिनों तक इसके भाषण चलाए थे और आंध्र प्रदेश सरकार को मजबूर किया था इसको अरेस्ट करने के लिए, तब देश में इसके खिलाफ माहौल बना था, और उस माहौल के दबाव में केवल दिखाने के लिए उसको तात्कालिक तौर पर अरेस्ट किया गया और महज 10,000 रुपए की जमानत पर इसको छोड़ा दिया गया।
तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जब तक हमारी स्ट्रांग ग्रिप हम नहीं पड़ते, लेकिन वो तो राजनीतिक दलों के हाथ में है। हाँ, और अभी तेलंगाना स्टेट के हाथ में है। तेलंगाना में जो सरकार है इनके समर्थन पे चल रही है, तो उसके मुख्यमंत्री की औकात या ताकत है क्या कि इसके गिरेबान में हाथ डाल सके। मैं आपको अर्ज करता हूं, बिल्कुल सही कहा। जब आपने एक स्टेज पे ये सोचा कि हैदराबाद को कहीं सोचा भी नहीं था, इसने अपना बड़ी एक तरफ अपनी गुगली मारी वासी ने कि हैदराबाद अगर इंडिपेंडेंट रखा गया तो ये से वो हो जाएगा, ये से वो हो जाएगा, हम तेलंगाना के साथ जाएंगे, हम उनके साथ नहीं मानेंगे। तो उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को पहले से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जब तेलंगाना बना उसके पहले से ही इन्होंने उनको कल्टीवेट कर लिया। एक बात, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को डील करना है, तो स्टेट का डील करने का जो मुद्दा है वो देखना चाहिए क्यों ऐसे तरीके से क्यों नहीं डील हुआ। आज तो चलो तेलंगाना के हैं, उससे पहले तो नहीं ना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, तो उस वक्त भी इनको स्ट्रांगली डील नहीं किया। तब भी उस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे और समर्थन देने वाले दल के नाते इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत किरण रेड्डी की नहीं थी। नहीं, और है बात, हिम्मत के बावजूद उनमें ये है, अब मैं हैदराबाद में रहा हूं काफी देर तक, हैदराबाद में मैं सेंटर की तरफ से AIG और कुछ देर तक DIG भी रहा हूं हैदराबाद में। हैदराबाद में जो क्रिमिनल राइट अरप्ट होते हैं, फ्रीक्वेंटली क्रिमिनल राइट हैदराबाद में अरप्ट होते रहे, चलते रहे। ये जो स्टेट्स होती है ये वीकलिंग पॉलिसी होती है कि हमने ये डील किया कहीं अरप्शन ना हो जाए, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता थपथपाते रहते हैं कि बाद में डील करें। एक रीजन ये भी है, एक रीजन तो इनका है कि इनकी सपोर्ट होती थी उनको, दूसरा ये डरते हैं क्रिमिनल राइट्स ऐसे ना हो जाए, तीसरी बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब इस किस्म की कंट्री के अंदर हवा चलनी शुरू हो गई जो कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन है, तो उस वक्त इसका सारा समर्थन सेंटर को काबू में लेना चाहिए। सेंटर के पास जो पावर्स नहीं है, तो सेंटर जब सेंटर पावर यूज करना शुरू करेगा स्टेट के दिनों उन्होंने आपकी तो पावर ही नहीं है। अब देखिए पिछले दिनों में नेशनल टेररिस्ट सेंटर बनाने की कोशिश की गई चिदम्बरम साहब के बदला, जो ही ये आया पार्लियामेंट में तो एकदम सब स्टेट ने कहा ये तो हमसे पावर लिए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, आप पावर ले जाएंगे तो हमने क्या करना है, उसको फेल कर दिया। मेरा कहने का मतलब है ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और सेंटर में चलता रहता है उससे स्टेट अपने आप आहिस्ता आहिस्ता बात करती है, सेंटर के साथ इतनी पावर्स नहीं है कि वो स्टेट में जाके अरेस्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तीसरी बात यह है कि एक सब्जेक्ट है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इस सब्जेक्ट के अंदर सेंट्रल पावर हो सकती है, लेकिन वो तभी हो सकती है अगर वहां पे किसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल हो। उस वक्त भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है सॉफ्ट पेडलिंग करती रहती है। मैं अगर आप जो बता रहे कानून सिस्टम और भारत सरकार की पूरी व्यवस्था इस तरीके से, तो फिर ओवैसी पे कभी भी हाथ नहीं डाला जा सकता, कम से कम अगले 5 साल तक तो नहीं डाला जा सकता। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूं जवान साहब, एक बात बड़ी जरूरी है। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, अगर हम पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देंगे तो नेशनल इंटरेस्ट बैकग्राउंड में जाएगा, नुकसान होगा ही होगा। अगर हम कोई ऐसी भड़काऊ भाषणों को जाने देंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा, और बाद में आपको ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा, सिचुएशन बिगड़ जाएगी और फिर नुकसान उसका ज्यादा होगा, फॉलोआउट ज्यादा होगा। अगर आप ये वर्ड्स के लिए ये बेस बन रहा है, अगर इस बेस को आप अभी काबू में नहीं करोगे तो जब रॉयट्स होंगे तो ज्यादा बर्बादी होगी, ज्यादा नुकसान होगा, आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रहे हो। ये सेंटर और स्टेट की जो बात है ये हमारे देश के लिए कोई अजीब चीज नहीं है, विदेशों में भी यही हाल है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री में जो स्टेट्स की पावर है उनमें सेंटर बिल्कुल दखल नहीं दे सकता है, पर मजाल है किसी का कि एंटी अमेरिकन भाषण किसी भी स्टेट में देकर वो निकल जाए और उसके अगेंस्ट एक्शन ना हो, नामुमकिन बात है। जब तक हम अमल नहीं करते हैं कानून के ऊपर, कानून है सब कुछ है, अगर हम पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करने देंगे तो जरूर उसका नुकसान होगा, देश के हित में बिल्कुल नहीं है ये बात। बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं एलू वाले साहब से कि यूएसए का कंपैरिजन हमारे साथ नहीं हो सकता,
इस बात तो ये है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनकी धाराएं क्या है, आप पढ़ेंगे वो डिफरेंट धाराएं हैं, एक बात। दूसरी बात, जो नेशनलिस्ट स्पिरिट उनमें है वो हमारे में नहीं है। हमारे में बहुत ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा कम्युनल फीलिंग और बहुत ज्यादा लैंग्वेज की फीलिंग आ जाती है। इन वजह से लिंग्विस्टिक राइट्स यहां होते रहे हिंदुस्तान में, कम्युनल राइट्स होते हैं हिंदुस्तान में, रीजनल राइट्स होते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे में वो एक फीलिंग कि हम इस नेशन को बुलाते हैं, नेशनल फीलिंग नहीं है। सबसे बात इसलिए अमेरिका के साथ हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। तुलना ये हो सकती है कि आपने जब डील किया उससे मैं इसके सहमत हूं, उसको डील सख्ती से करिए, नहीं तो ये होगा कि आप खुद ही एक चीज को बढ़ावा दे देते हैं, वो जब बढ़ जाती है फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन सबको मालूम है कि भिंडरा वाला को किसने बढ़ावा दिया। पंजाब में टेररिज्म इतना फैला, आप सबको मालूम है कि कैसे फैला, क्यों फैला, किस लिए फैला, क्योंकि अगर वक्त पे उनको कंट्रोल किया जाता शायद इतना नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही है, पिछले कई साल से नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है। हमने पहले ये जब मैं वेस्ट बंगाल में गया तो शुरू शुरू में ये मूवमेंट जो थी वहां पे छुराबाजी करते थे और साथ साथ इनके पास कटा होता था। आज की डेट में इनके पास AK-47 आ गए, आज की डेट में इनके पास रॉकेट लॉन्चर आ गए। तो ये बिल्कुल एल वाले साहब से मैं सहमत हूं कि अगर इनको सख्ती से एक स्टेज पे नहीं दबाया जाता तो इनका रिजल्ट बहुत ही नुकसानदेह हमारे आंखों में आ रहा है। वीडियो दिखा चाहूंगा, ये तो उल्टा बोलता है। हम कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को भड़का रहा है और लोगों को देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए कह रहा है, और यही आरोप FIR में इसके खिलाफ भी लगाया गया है जिस पर कोर्ट ने FIR दाखिल करके लिया है, लेकिन ये कहता है कि मुसलमान मेरे वजह से शांत है। जरा देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। क्या अहवालिया जी साहब के पास मैं जाऊंगा कि क्या ऐसे 2 करोड़ के औकात वाले व्यक्ति के सामने हिंदुस्तान की क्या स्थिति है, जरा देश को बताएंगे। हमारे देश में कानून है, सब कुछ है, एक्शन लेने की बात है। आप जिस दिन एक्शन लेना चाहें आप एक्शन ले सकते हैं और एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इन भाषणों को सुन के एक्शन नहीं लेते हैं तो आप किस चीज की वेट कर रहे हैं कि कम्युनल राइट्स होंगे फिर लेंगे। अब देश में पॉल साहब ने सही एग्जांपल दिया भिंडरा वाले का, ये सिर्फ भिंडरा वाले का नहीं है, अब ईस्टर्न स्टेट्स में ले लें, इंसर्जेंसी ले लें, शिलोंग की प्रॉब्लम ले लीजिए, बंगाल में गुरखालैंड की प्रॉब्लम ले लीजिए, अपने देश में सेंट्रल पार्ट में जितनी भी नक्सलाइट मूवमेंट्स है इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां भी पोलिटिकल विल नहीं है कुछ नहीं हो सकता है। हमारे देश में पॉल साहब ने ठीक बोला, नेशनल स्पिरिट अमेरिका के कंपैरिजन में कम है। क्यों है? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कास्ट और रिलीजन को। बिल्कुल, अगर हम इनको ये ना करने दें, अभी आप देख रहे हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है, जितनी भी टॉक हो रही है देश के हित में हो रही है, देश के ऊपर हो रही है। जहां पे भी पॉलिटिशियंस ने कास्ट क्रीड की बात की है उनको नुकसान हुआ है। एक अभी ये रह गया है हैदराबाद का इलाका जहां पे कास्ट क्रीड के बेसिस पे इलेक्शन जीती जा रही है। अगर आप अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुई हैं महाराष्ट्र में देखें, किसी भी पार्टी ने कास्ट क्रीड की बातचीत नहीं की है, सारी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। अगर जो कास्ट की बात कर रहा है उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बात बिगड़ेगी और बाद में संभालना मुश्किल होगा हमारे लिए। बिल्कुल, अब मैं एक अलग विषय, इसी विषय का एक अलग पहलू पर लेके जाऊंगा पूरे कार्यक्रम को। मैंने शुरू में इस भाषण को लेकर हमने बात की, अब हम आपको वो स्टेटमेंट दिखा रहे जो स्टेटमेंट हिंदुस्तान के लिए सोचने लायक है। इस देश में कभी ये बातें कुछ भविष्यवेत्ताओं ने बताई थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी September 1, 2014 को श्रीनगर में कहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो उस युद्ध के समय भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। सावरकर हो या तमाम ऐसे कई लोगों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि इस देश में धर्म
देश के साथ होना चाहिए। धर्म अगर दूसरे देश के साथ चला जाएगा, धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण अगर होगा, तो देश के लिए खतरा होगा। असाउद्दीन ओवैसी जो इस पार्टी का मुखिया है, सितंबर 1, 2014 में कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान, इफ इंडिया अटैक पाक, इंडियन मुस्लिम विल ज्वाइन पाक आर्मी। ये आज भी उस वेबसाइट पर ये है। हालांकि इसने कई छोटा सा इसका तकनीकी आधार पर खंडन करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी भी अगर इस साइट ने गलत कहा है तो इसके ऊपर इसने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं पॉल साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद अहवालिया साहब के पास जाऊंगा। इतना गंभीर मुद्दा है पॉल साहब, अगर कोई ये कहे जो आप सुन रहे, देख रहे, स्क्रीन पर हम आपके सामने चला रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्या ये भारत सरकार को ललकारना नहीं है? और दूसरा सवाल, क्या ये भारत के सारे मुसलमानों की विश्वासार्हता या गंभीरता या लॉयलिटी पर सवाल नहीं है? पॉल साहब, ये देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि दो आवाजों में बोलते हैं और इनकी एक तरफ तो मुस्लिम जो समूह है उनको इंसाइट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं, एक पीछे इनका बयान आया, आपने पूछा होगा, अब देखा होगा कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम अपने आप डील कर सकते हैं, आप मुसलमानों का फिक्र मत करें, हम हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप हिंदुस्तान के साथ डील करेंगे। उससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो इंटरनल बात है सारी, हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल हो इससे नहीं है। हालांकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सी पावर्स का काम करता है, ये बोलता है तो उसके पीछे कौन है। लेकिन इन्होंने ओपनली ये कहा पाकिस्तान को कि आप हमारे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की फिक्र ना करें, अब हिंदुस्तान के मुसलमान हम अपने आप डील करेंगे। सो मतलब है कि दो जुबान में बोले। दूसरी बात, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, इंसाइटिंग, ये जो है टेंजेबल, जो आप कहते हैं सब्सटेंटिव ऑफेंस जो है, ये सिर्फ वो बनती है जिसको आपने स्पीच उसने किया कि वेजिंग वार अगेंस्ट बन के या सेडिशन के लिए बना जाए। तो उसका एक तरीका होता है पुलिस में, कंटिन्यूस हम उस स्पीच को कंटिन्यूस करते हैं, एक दो चार दफा किया गया, फिर उसके साथ केस लगाया जाता है, जब कोर्ट में जाता है तो उसकी सपोर्ट करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मैंने पहले ही आपको अर्ज किया है, इसने भी यही किया है, इसने एक बार नहीं कहा है, इसने तमाम कई बार कहा है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये दुगली बात करते हैं तो उस वक्त जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो वहां पे स्टेट के इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं, वो दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जब जुडिशरी में या सिम्मी का केस जुडिशरी में जाता था, हाईकोर्ट हर साल के बाद, 6 महीने के बाद सुनने के बाद कहती थी इसमें सफिशियंट फोर्स नहीं है, एविडेंस सफिशियंट नहीं है, इनके ऊपर बैन नहीं करना चाहिए। आप इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, हर तरफ बैन। अल्टीमेटली जब इतना जुल्म हो गया, इतने कत्ल गारत हो गए सिम्मी के बिहाव पे, जो मदरसों में उनको टीचिंग की गई थी, उन मदरसों के हमने साबित किया कि इस मदरसे से पढ़कर ये आया, ये सिम्मी का बनने के बाद ये किया, तब जाके सिम्मी पे अब बैन लगा, कुछ 3 साल पहले परमानेंट बैन लगा। तब इन्होंने अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन कर दी। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि ये जब दो जुबानें बोलते हैं तो अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, खास तौर पे पुलिस उस स्टेट की, उसको तगड़ा केस बनाकर इसको जुडिशरी के सामने पेश करना चाहिए ताकि उस लॉ के मुताबिक प्रूव करे। इसमें क्यों नहीं होता, आप खुद ही बता चुके हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं, शायद अहवालिया जी कुछ कह रहे हैं। हाँ अहवालिया जी, मेरा पॉल साहब से ये सवाल है कि पुलिस एजेंसी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मैंने अभी अर्ज किया आपको, एक क्यों नहीं, कौन सी पुलिस एजेंसी, यही तो हम ये स्टेट की पुलिस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द स्टेट पुलिस, आई एम टेलिंग यू स्टेट की पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही, इसलिए नहीं ले रही कि इंटायर स्टेट पुलिस इज प्रेजुडिस इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिशियन। इफ दे से लाइक दिस दे हैव टू डू लाइक दिस, दे से लाइक दिस, फॉर द लास्ट कितने साल से हम पुलिस रिफॉर्म की बातें करते रहे। लेकिन क्या वहां की कोर्ट अगर पुलिस को ऑर्डर करती है तो नहीं हो सकता जी? कोर्ट अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही, लेकिन कोर्ट अगर पुलिस उल्ट बात है ना, कोर्ट इतना कह सकती है कि मैं इस ऑफेंस को कॉग्निबल समझता हूं, आप किसी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट करें। तो कोर्ट ने सिर्फ उनको इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट बनाई जाती है, आप पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर, जो
उधर से अवालिया साहब कह रहे हैं कि सो मोटो एक्शन नहीं हो सकता क्या? नहीं, सो मोटो एक्शन जो है कोर्ट जो है कोर्ट नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं, मैं पुलिस के एक्शन, मैं पुलिस तो बिल्कुल सारे, अगर पुलिस को आप समझे कि इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ और लॉ आपको कहता है क्यों नहीं हो सकता, हर पुलिस अफसर ले सकता है। पूरे आंध्र प्रदेश में, आज के पूरे तेलंगाना में राष्ट्रवादी पुलिस कोई नहीं है। नहीं, आप फिर बात, अगर आपने, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना है। नहीं, इन्फ्लुएंस तो तब है ना, देखिए आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए अगर कोई आप एक्शन लेते, या मुझे ये दिखता है, मतलब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं पुलिस विषय की, आप उसमें इतना पूरा आयुष्य भर रहे हैं, लेकिन क्या अगर कोई अधिकारी अपना अधिकार दांव पे लगाना चाहे, भले वो एक अधिकारी अपना अधिकार दांव पे लगा दे, उसके खिलाफ एक्शन हो जाए तो हो सकता है, ऐसे गट्स वाला आदमी दो चार निकल आएंगे। तो क्या हम, मैं समझ, तो पॉल साहब, अहवालिया साहब, हम इस चैनल से आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के खास करके पुलिस अधिकारियों का आह्वान करें कि क्या एक आदमी, एक साधारण हवलदार भी अगर तय करता है पुलिस स्टेशन का, तो मुख्यमंत्री को पुलिस स्टेशन में ला सकता है? तो वहां पर कई आईएएस ऑफिसर है, कई कमिश्नर है, कई प्रमुख है, राज्य के पुलिस प्रमुख है, क्या किसी में भी राष्ट्रवाद या किसी में भी इसके भाषणों को लेकर उतना गुस्सा क्यों नहीं है जितना आप में, हम में और पूरे हिंदुस्तान में है? आप देखिए, इसको तीन हिस्सों में कर रहे हैं। हाँ, एक तो आप कहते हैं आईएएस वगैरह का, उनका जो रोल है हमने पंजाब में भी देखा है कितना करोड़ रहा, एक भी केस जब होता था वो तो कभी डील ही नहीं करते, इनसे में टेररिज्म में आ गया हम तो नहीं डील करेंगे, होता ही नहीं है उनमें, इतना होता ही नहीं। पूरी पुलिस मशीनरी को कह रहा हूं मैं, पुलिस की बात करिए, पुलिस का ये रोल है, ऑर्डर जो, लॉ एंड ऑर्डर इज ए पुलिस सब्जेक्ट और पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, लेकिन कंट्रोल के खिलाफ जाकर अगर, मतलब अगर वो एक या दो या चार आदमी जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में ये बात होती है, ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी भी आ जाएगी ना, उस ज्यूरिसडिक्शन में अपने आप को, अपने करियर को, अपने सेक्रीफाइस करके स्ट्रिक्टली बाई लॉ करें तो बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, आगे छोड़ता रहेगा। इसका मतलब कार्यक्रम देख रहे दर्शकों को हम कहेंगे कि हम जैसे चुनाव आयोग को आपको फोन करने के लिए कह रहे हैं, वैसे आपके जानने वाले इंटरनेट से नंबर लेके या अपने अलग अलग सोर्सेस से ये जानकारी निकालिए, पुलिस वालों के आंध्र प्रदेश के नंबर निकालिए, कि एसएमएस कैंपेन चलाइए कि क्या पूरे आंध्र प्रदेश में एक मर्द पुलिस वाला नहीं है जो इस शैतान को रोक सके, जो इसके देशद्रोही कार्रवाइयों के खिलाफ, इसके भाषणों के खिलाफ आवाज उठा सके। दे पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे तेलंगाना में ये सब जगह पर घूमता है, अपने पार्टी का काम करता है, हर जगह पर कानून को तोड़ता है। तो हम इस कार्यक्रम के इस ब्रेक पर जाते जाते तेलंगाना के पुलिस को आह्वान करते हैं कि वो अपनी राष्ट्रभक्ति और अपना ऊपर जो वहां के सरकार का जो दबाव है उसको दूर कर सही ईमानदारी के साथ, जिस संविधान के लिए आपने शपथ ली है उसके प्रति ईमानदारी दिखाएं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, कार्यक्रम चल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बात कर रहे हैं हमारे साथ एक आर्मी के और एक पुलिस के अधिकारी जुड़े हुए साथ में, आप सब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम सब मिलकर पिछले छह दिनों से, सात दिनों से ओबीसी के नंगा नाच के उपाय के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्या स्थिति है, क्या परिणाम है ये देख रहे हैं, इसका क्या उपाय ये देख रहे हैं। हम आधे घंटे से चर्चा में एक बहुत अच्छे मुद्दे पर पहुंचे हैं, इस उपाय पर पहुंचे हैं कि ओवैसी के नंगा नाच को रोकने के लिए वहां के राज्य सरकारों के, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति के बावजूद वहां पर जो पुलिस है, उन पुलिस वालों को जो अधिकार है, उस अधिकार को अगर वो अपनाते हैं तो कर सकते हैं। पॉल साहब पंजाब में थे और वहां पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, बल्कि राजनीति के कारण ही वहां पर भिंडरांवालों को, उलावाला का उदय हुआ था। सारा मसला क्या था हम जानते हैं, इसका मतलब है कि आप कार्यक्रम पर हम सही ट्रैक में हैं। अब हमें तेलंगाना के पुलिस को, उनके अंदर में क्या एक सिंघम नहीं है, क्या एक देशभक्त नहीं है, क्या एक ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो कहे कि भले मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पॉल साहब मुझे बताइए, एक राज्य सरकार किसी अधिकारी का क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर? मैं समझता हूं कि
ला के मुताबिक या बगैर ला के भी क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर दोगे आपको? हाँ? क्या कर सकते हैं? हाँ? उसको आप सर्विस से रिमूव कर दोगे? क्या कर सकते? फांसी तो नहीं लगा, फांसी तो नहीं लगा सकते हैं। हाँ? वो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर लड़ सकते हैं। हाँ? ये कह देना कि एक या दो आदमी, ये देखिए एक खड़ा हो जाए तो दूसरे चार खड़े हो जाते हैं। अपने आप जब पंजाब टेररिज्म को कंट्रोल किया गया तो उस वक्त गेल साहब गए और मेरे को साथ गया गया आईजी ऑपरेशन के दौर में, तो हमने सबसे पहले ये कहा कि आपकी अगर हम पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी है तो हम यहां काम नहीं कर सकते। उस वक्त के बाद जब गवर्नर्स राज वहां पे आया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हुई तो हमने अपने तरीके से कंट्रोल किया। गलती हुई उसमें, ऊंचा हुआ किसी के साथ नीचा हो गया, आपने अब गेहूं के साथ कई दफा घुन भी पिस जाता है, गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कंट्रोल करने का हमने विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कंट्रोल किया। तो मेरा कहने का मतलब जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है वहां पे तो ऐसा आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं तो नहीं करूंगा, तो कहे जाइए दूसरा, ये अनफॉर्चुनेट है, वो कह रहे नहीं करो दूसरा खड़ा हो जाएगा, वो नहीं करो तीसरा आदमी वहां पर ड्यूटी पे लिए खड़ा हो जाएगा। तो उस किस्म का जो एक संगठन है उस किस्म की फोर्स नहीं है। अब पिछले दिनों में पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, मुझे कहा गया कि एक आर्टिकल पे जो 15 तारीख की बात है पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर देहरादून के अंदर एक सेमिनार हुआ, चार पांच उन्होंने कहा जो पुराने आदमी है उनको कहा जाए, तो वह हमने लिखा कि आप देखिए आज मैं सारे हम थोड़ा पुलिस रिफॉर्म पे अभी इसलिए नहीं जाते क्योंकि मुझे लगता है इस सूत्र पे और काम करने की जरूरत है। आपके भाषण से प्रेरणा रह के अगर कोई तेलंगाना का पुलिस ऑफिसर जागता है तो जो पंजाब में आपने जितना बड़ा काम किया है उतना ही बड़ा काम आपके इस प्रेरणा से, आपके इस मार्गदर्शन से तेलंगाना का कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है और इस दरिंदे के गंध को वहां पर फैलने से रोक सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए वो बताइए। मैं यही समझता हूँ कि इसके लिए जैसे आपने कहा है कि सबसे पहले तो यह है कि इस किस्म का एक्शन लेते हैं तो हाँ। मैक्सिमम आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। जे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। आपने कोई गलत काम नहीं किया है, बिल्कुल आपको कोई फांसी नहीं हो सकती है इस काम के लिए, पर यह जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी। आपका काम है, आपको ये काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप खुद गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए जो भी अधिकारी है जिसने एक्शन लेना है वो केवल पुलिस का हो सकता है और कोई भी एजेंसी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है सिवाय पुलिस के। मैं और अब जिस स्टेट में देखें, पूरी स्टेट्स में जहां भी किसी पुलिस ऑफिसर ने एक्शन लिया है 100% सुधार हुआ है। बिल्कुल, पक्का सिचुएशन कंट्रोल हुई है। दिल्ली में हुआ है जो यहां पे शूट आउट हुआ है, कितने कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जो एक्शन लिया है जिसने, पक्का हीरो निकलेगा। बिल्कुल, मुंबई मुंबई में हुआ है, देख रही है मुंबई में हुआ। तो मसल नहीं सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब वो एक्शन लेते हैं वो और लाइमलाइट में आते हैं और मीडिया उनको सपोर्ट कर रही है। इतना आसान नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल, हम भी करेंगे। तेलंगाना के अंदर का कोई अधिकारी अगर इसके खिलाफ, इसके गंध के खिलाफ, इसके दरिंदगी के खिलाफ, इसके देशद्रोही वक्तव्य के खिलाफ अगर एक्शन लेता है तो हम उसको सैल्यूट करेंगे एडवांस में। ऐसा पुलिस ऑफिसर आगे आए जो इसको रोके, देश के खिलाफ युद्ध लड़ करने की बात करने वाले इस ओबीसी के खिलाफ, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होती है तो उस अधिकारी के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपने जैसे कहा करेंगे क्या, नौकरी से निकाल देंगे ऐसे आदमी को? हम जैसे कई कंपनियां हैं जो देशभक्त पुलिस अधिकारी को काम देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे देशद्रोही, इतनी बड़ी फौज, पॉल साहब कितनी फौज होगी पूरे तेलंगाना में, अप्रोक्सीमेट कितनी पुलिस होगी सारी, छोटे से लेके बड़े तक? मेरे ख्याल में कोई 50,000 के करीब तो होना तो चाहिए। तो क्या 50,000 में एक आदमी, कम से एक आदमी? देखिए आप फिर एक आदमी, 50,000 से एक आदमी नहीं होना। हाँ। होना उस ज्यूरिसडिक्शन में जहां पे क्राइम कम है। ये तो पूरे स्टेट में घूमता है ना, जहां भी होता है। हाँ। वहां से कोई आदमी उस स्टेट को ले, उस जगह को लेकर कर सकता है और करने में कोई दिक्कत नहीं है। कह दे रहे ये जो कहते हैं ना, कहना ये वो, एडवाइस सब कर सकते हैं, करने वाली बात है कौन करता है। एडवाइस तो हम भी रहते हैं, सब करते हैं, करता कौन है ये देखना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ साथ हम यही चाहेंगे वो उसको देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, मैं तो इसके हक में हूं, हम सब हक में हैं, जिससे कि ऐसे होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए।
लेकिन उनकी जो दुविधा है उसको भी ख्याल रखिए कि अगर वो एक्शन नहीं होता या एक्शन होता है, दोनों चीजों को देखिए। एक्शन नहीं होता, एक तो उन्होंने अपने आप को सेव किया हुआ, दूसरी साथ साथ ये बात है कि उनको ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा डेलिकेट सिचुएशन में होता है, उसी वो एक्शन नहीं रहा। ये मैं आपको बड़ा डेलिकेट सिचुएशन होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं पंजाब में गया तो सबसे जब पहले एक्शन शुरू हुआ तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया, जैसे कि हुशियारपुर में वहां पे जो एमपी साहब थे उनको कत्ल कर दिया गया, वहां पे जो ही हिंदू हिंदू और सिख राइट शुरू हो गए। डेलिकेट सिचुएशन, उस डेलिकेट सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ता है। जलंधर में हुआ तो हमने ऑपरेशन कहते ना, किसी जगह पर जाके ऑपरेशन करना है। हाँ, मेरा अर्ज करने का मतलब है जो पुलिस अधिकारी काम करता है वहां पे, मैं उस हक में हूं कि काम करना चाहिए। हमारा हम कानून के बशिंदे हैं, कानून के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के खिलाफ तो जा नहीं रहे। जो कानून कहता है उस हिसाब से हम गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी भी हो गई कानून के मुताबिक, कानून के शिकंजे में भी ले आया, फिर आपके पास आएगा 3 साल 2 साल लगेंगे जुडिशरी जब तक उसको कन्विक्ट करेगी। एक मिनट साहब, मुझे बिगनिंग तो कीजिए, बिगनिंग तो होनी चाहिए। बिगनिंग मैं आपको बताता हूँ, ये बातें ऐसे नहीं होती कि आर्मी के साथ गोली चला दें। जुडिशरी की बात आपको व्यू रखनी पड़ती है। ये तो आर्मी को भी चैलेंज करता है। नहीं नहीं, वो करता है, आर्मी नहीं करेगी। आर्मी ना लॉ एंड ऑर्डर वो कैसे कर सकते हैं? वो कहेंगे मेरे तो हुक्म नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हम कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ कि हुक्म के मुताबिक जो एक हुक्म का तरीका बना हुआ है, इवन पुलिस में एक हायरार्की है, उस हायरार्की के मुताबिक जाना पड़ता है। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर वहां पे कल को कॉन्फ्लिक्रेशन हो जाती है, क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट, ये उसको तो मैं कहता करना चाहिए, कर सकता है, उसको कंट्रोल भी कर सकता है। हम हैदराबाद में चार मीनार के ऊपर कंट्रोल में बैठ के कंट्रोल किया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं AIG था वहां पे कुछ देर के लिए। लेकिन सवाल है सारी सिचुएशन को लेकर कि कल इस हमें चार मीनार में गदर शुरू हो जाएगा, कत्ल शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इसकी आगे रेमिफिकेशन क्या होगी, दूसरी स्टेट में कत्लों का क्या शुरू हो जाएगा, ये सब चीजें होती हैं। आपने आज अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ, आपने करना है बाबरी मस्जिद गिरा दी, एक्शन होना ही नहीं चाहिए। अरे साहब आप देखिए, बाबरी मस्जिद गिरा दिया आपने, किसी ने गिराया, और आपने क्या, आपने सोचते रहे उसका क्या असर हुआ है? द रेमिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री देर कत्लों का, क्या आप एक आदमी के लिए सारे देश को दाव पे लगा सकते हैं? लेकिन एक आदमी अगर देश को चैलेंज कर रहा है तो दाव पे तो लगाना पड़ेगा ना। सारे देश में कितनी सपोर्ट होगी? आपके 50% पीपल आज की डेट के अंदर वो कहेंगे कि सपोर्ट, आप यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ पे राइट शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र में राइट तो क्या इतना बड़ा नेता तो हो गया कि इसके लिए सर उत्तर प्रदेश में राइट होंगे? सर ऐसे और अगर आप देखिए, जब मुस्लिम हिंदू फसाद होगा 2014 में, अगर ये स्थिति है तो ये अगले 20 साल बाद क्या करेगा? फिर तो आप इसके बाल को हद नहीं लगा सकते। जवान साहब दोनों पहलू देखिए। नहीं नहीं, मैं आपको एक पहलू ये है, देखिए पहलू देखना तो पुलिस का काम है, सरकार का काम है। एक्शन कैसे हो सकता है, हमने ये डिस्कस करना है कि अभी एक गलत काम हुआ है, हाँ। उस पर कार्रवाई करने का सही तरीका क्या है और कैसे? सही टाइम भी क्या है? सही तरीका यही है, हाँ। जैसे कर रहा है, वेनम है, जहर फेंक रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर फेंक रहा है, उसके खिलाफ सही टाइम की बात है। इससे पहले भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ अब इसकी हद आ गई है, हाँ। तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्शन ले, आप सुन लीजिए अहलुवालिया साहब, ये उसका वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को जरूर ये वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें वो हिंदुस्तान की फतह करने की बात करता है। देखिए, आप कह रहे कि एक साधारण आदमी क्या कर लेगा, ये पूरे देश को फतह करने की बात करता है। देखिए इसके शब्द क्या है। आपकी ताकत मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी, दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है। अब इसको अगर अभी हाथ नहीं लगाएंगे, 2014 में इसको हाथ नहीं लगाएंगे तो ये नासूर बढ़ता जाएगा। उंगली के नाखून को अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो फिर उंगली काटनी पड़ती है, उंगली भी समय पे नहीं काटी तो पैर का पंजा काटना पड़ता है, तब भी समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुई तो टांग काटनी पड़ती है, और वो टांग भी समय पे नहीं काटी गई तो पूरा शरीर जहर से फैल जाता है, मर जाता है, फिर कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए ओवैसी को हाथ लगाने के कारण हैदराबाद में दंगे होंगे, तमिलनाडु में होंगे, आंध्र प्रदेश में होंगे, कर्नाटका में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, ये बात कहेंगे
है तो एक दिन ये पूरे शरीर को जाना है, ये विष फैलना है। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने इस विषय पर जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है उनके लिए तय करना है कि नाखून काटना है, उंगली काटनी है, पंजा काटना है, पैर काटना है या पूरा शरीर मरने देना है। वहां के पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज का मुद्दा है और इतने बड़े गुनाह के बाद भी अगर वहां की पुलिस नहीं जागती है तो जैसे इस देश का गुलामी का इतिहास लिखा गया है वैसे वहां के पुलिस के बारे में भी भविष्य में लिखा जाएगा कि ऐसा एक देशद्रोही था और वहां पर इतने हजार पुलिस होने के बावजूद एक भी पुलिस वाला आगे नहीं आया और ये नासूर आगे जाकर देश का दुश्मन बन गया। क्या कहेंगे? मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि इसका बड़ा सख्त तरीके से हाथ लगाना चाहिए और जो सब चीज को ताकि एक दफा अगर अंदर जाता है तो बाहर नहीं आ सके, सब एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, हो जा सकती है। बिल्कुल, साथ साथ पुलिस के साथ साथ मैं आपको यह भी कहता हूं कि जो हमारी सेकुलर फोर्सेस अपने आप को कहते हैं, बहुत से ऐसे यहां पे पॉलिटिशियन है जो सेकुलर फोर्सेस कहते हैं अपने आप को, चाहे वो वोट बैंक के लिए कहते हैं या किसी के लिए कहते हैं तो सेकुलर फोर्सेस कहते हैं, उन सब की निगाह में ये चीज है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ जी अगर पुलिस इसमें एक्शन ले रही है या एक्शन लेगी तो वो सही एक्शन। आपके भी तो कई चेले वहां होंगे, आपका एक्सपीरियंस है, आप स्क्रीन से भी आह्वान करें। पहले एक्शन हो तो सपोर्ट की बात आएगी, अगर एक्शन हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके अगेंस्ट एक्शन ले जो पुलिस का अफसर खड़ा हुआ है तब मीडिया और बाकियों का रोल आता है। अगर कोई एक्शन ही ना ले कि मैं मर जाऊंगा, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसे तो देश चलाना बहुत मुश्किल है। अहलूवालिया साहब, अहलूवालिया साहब, हमने इनको देखा हुआ है, न खंजर उठेगा न तलवार इनकी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। आप आज की डेट में कई पुलिस कमिश्नर बैठ चुके हैं, कई आदमियों को कंडेम किया गया है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना, डर के करने वाले हैं। हम एक शेष थी, हमने कहा हर छह महीने में हमें ट्रांसफर कर दीजिए, छह महीने का कर दीजिए ट्रांसफर, एक जगह दूसरे करते रहे और क्या करेंगे? मेरे को 30 साल में मेरा 60 ट्रांसफर हुए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको कौन सा सपोर्ट करता है, ये कहने की बातें होती हैं। जब वो कहेंगे इसमें ये भी नुकसान, ये भी नुकसान, मेरी साहब बात ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको एक मुहिम बनाना चाहिए, जैसे आपने शुरू किया, इसलिए एक जैसे शुरू किया एक मुहिम बन जाए, एक टेम्पो क्रिएट हो जाना चाहिए। टेम्पो ग्रेड में कोई ना कोई मर्द गमड़ा खड़ा होगा, कोई ना कोई मर्द गमड़ा उनमें से खड़ा होकर एक्शन लेगा, उसको सेक्रीफाइस देने दो अगर होती है। लेकिन जब उनको ये मालूम है कि मेरे पीछे ये हाथ है, ये हाथ है, तो एक्शन लेगा, तो आपके दो लफ्ज कहने से नहीं होना। ये हमको जैसे आज आप कह रहे हैं मुहिम क्रिएट करनी पड़ती है, सर हमने ये मुहिम चलाई है, मुहिम चलाई है, आज हमारे पेज पर लाखों लोग जरूर रहते हैं। मैं इससे ये कहता हूँ कि आपकी चवन साहब इस मुहिम का आप देखेंगे, आप 15 दिन और चला के देखें कि कैसे आप देखते हैं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, 15 दिन नहीं, ज्यादा दिन लगे भी तो चलेगा। देखिए तो मंथन से अमृत निकलता हम जानते हैं, आज के इस मंथन से ये बात सामने आई है। मैं आज 7वां एपिसोड कर रहा हूं, मैं बड़ा निराश हूं इस बात को लेकर कि अभी तक एक्शन नहीं हो रहे, लेकिन हौसला नहीं हारेंगे। हमें आज के इस कार्यक्रम से आप दोनों महानुभाव से बात करते हुए ये बात सामने आई है कि सबसे अच्छा जरिया हो सकता है वहां के पुलिस के अंदर जगाना, वहां के देशभक्त पुलिस वालों को समर्थन करना। तमिलनाडु के आसपास के जितने राज्य है, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, यहां के लोगों के निश्चित तौर पर वहां पर लिंक होंगे। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर काम करने वाले मेरे मित्रों, आप अपने अभी इस मिनट से शुरुआत करिए कि सोशल मीडिया में तेलंगाना के जितने पुलिस अधिकारी हैं उनके आईडी निकालिए, उनके स्वाभिमान को आह्वान करिए, उनको पूछिए कि क्या आपके मर्दानगी को चैलेंज करने वाला ये 2 करोड़ का ओवैसी आपके हाथ में क्यों नहीं आ सकता। आप फेसबुक पर बड़े बड़े राष्ट्रपति के मेडल लगाते हो, मुख्यमंत्री के मेडल लगाते हो, ये मेडल उसके ऊपर वो थूक रहा है और आप अपनी वर्दी सीना तान कर दिखा रहे हैं, कहां का ये आरोप है? अगर ओवैसी जैसा आदमी तेलंगाना में है तो वहां के किसी पुलिस ऑफिसर को सीना तान कर खड़ा होने का अधिकार नहीं है, ऐसा कम से कम मैं मानता हूं। उसके होते हुए अगर कोई चैनल बात नहीं करता तो उसके पास क्या उसका फ्रीडम है, कहां उसका मीडिया का पावर है? हमारे पास जो जितनी भगवान ने दी है हम पूरी लगा रहे और पूरी लगाएंगे। मुहिम के साथ कई लोग जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे हमारे साथ।
और भी कई वीडियो है, लेकिन हम उन वीडियो को दिखाने के बजाय, क्योंकि वीडियो तो पहले भी हम दिखा चुके हैं, मैं पॉल साहब बहुत अनुभवी व्यक्ति है और हमारे साथ आर्मी की भाषा में बात करने के लिए अहवालिया साहब भी है, पॉल साहब के पास दोबारा जाऊंगा। पॉल साहब, अब बहुत कार्यक्रम के आखिर आखिर में हमारे पास कुछ मिनट बस बचे हैं, एक्शन की दिशा में वहां की जनता क्या करें, वहां के सोशल संगठन क्या करें? मैंने तो एक पत्रकार के नाते आपको बोल दिया, सारे लोगों को आह्वान कर दिया, आप आपकी तरफ से आह्वान करें। उसके पहले मैं अहवालिया साहब को आह्वान करना चाहूंगा कि आप वहां की जनता को, समाज के विभिन्न घटकों को आह्वान करिए कि आप क्या चाहते हैं। अहवालिया जी, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ऐसे भाषणों में भाग मत लें। अगर कोई दंगा फसाद होता है, कुछ होता है, तो नुकसान एक आम नागरिक का होगा, तो आप अपना नुकसान मत करने दें। ये लोग जो भाषण दे रहे हैं, ये अपना नुकसान नहीं होने देंगे, इनका इंटरेस्ट फिर भी बचा रहेगा। और आप देखें, ये आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को पॉलिटिकली प्रोजेक्ट करने के लिए। ये पर्सनल एजेंडा परस्यू किया जा रहा है, अपने आप को ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह मत यूज होने दीजिए। बिल्कुल, अकल से काम कीजिए, इनको नाम भड़काने दीजिए, शांति का माहौल रखें ताकि आपके, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई करें किसी भी किस्म। धन्यवाद, मैं अहवालिया जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और पॉल साहब, आपके पास जाने के पहले, आप रैपिड एक्शन फोर्स के रह चुके, देखिए कितना योगा योग है कि आप, भगवान ने आज आपको इस चर्चा में भेजा और हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। डायरेक्ट एक्शन का एक वाक्य मैं आपके आह्वान के पहले दिखाऊंगा, जिससे शायद आपका आह्वान वहां की पुलिस को, वहां की जनता को ज्यादा परिणामकारक जाए, आपके अंदर का भी वादिकारी और ज्यादा जाग जाए। जिना ने एक ऐतिहासिक आह्वान किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, और वो हिंदुस्तान को बहुत महंगा पड़ा था, उसका विभाजन हुआ था। ये जिना के राह पर चल रहा है, हम आपको उसका फिल्मी हालांकि ये फिल्मी है, लेकिन दिखाते हैं कि तब जिना ने क्या कहा था। हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। और इस डायरेक्ट एक्शन के बाद पॉल साहब, आप हम जानते हैं कि क्या हुआ था। अब डायरेक्ट एक्शन की बारी अगर उधर से आती है तो आपकी पूरी पुलिस जमात को डिफेंस में जाना पड़ेगा, जैसे कि आपने कहा। उधर से पहले एक्शन हो, इसके पहले इधर से एक्शन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, और खास तौर पर ये जो लोगों को गुमराह करते हैं वो देखिए, अब इसका जो है बलून बहुत फूलने लग गया है, ये बैलून फटेगा, ये ज्यादा फूल गया। क्यों? अभी जब महाराष्ट्र में इसने जाके दो सीटें ले ली, 15-20 दिन के प्रोपेगेंडा के बाद इनको दो सीटें मिल गई, उसके बाद तीन सीटों के ऊपर इन्होंने नंबर टू पे आ गए, छह सीटों पे इनका नंबर थ्री में आया, तो 6, 3, 9 और 2, 11 सीटें ये ले गए। और इसने कहा कि इसमें इतने 5 लाख से ज्यादा जो वोट मेरे को पड़े हैं, इसने ये समझ लिया है कि महाराष्ट्र में मैंने राजनीतिक बात होगी, कार्यक्रम में बहुत चंद सेकंड बचे, मैं पुलिस को ये आपका संदेश, पुलिस और सोसाइटी के लिए, मैं ये सोसाइटी के लिए, तो ये गुमराह कर रहा है, इसके गुमराह में नहीं आना चाहिए। ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स वहां भी है, इसको हमको न्यूट्रलाइज करना है, ये आगे फिर करेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे इसने कर्नाटका का कहा है, यूपी का कहा है, और बिहार का कहा है, और बंगाल का कहा है। ये आपको इन स्टेटों में खास तौर पर खबरदार करना चाहिए कि इसको जीरो वोट मिले, इसको जीरो मिले कुछ से, एक सबसे बड़ी जरूरी है, तो पॉलिटिकल डिफीट इसकी होगी, मॉरल डिफीट इसकी होगी, और उधर से पुलिस एक्शन हो जाएगा, तो उससे मेरे ख्याल में ये बलून जरूर फटेगा। और ये आप अभी तुरंत क्या किया जाए, क्योंकि हम तब तक कार्यक्रम रोकेंगे नहीं। तुरंत यही है कि पुलिस अपना शिकंजा सख्त करे और आप इसको मंथन को और माहौल बनाए। धन्यवाद, आपने इस मुहिम को समर्थन दिया, मैं अहवालिया साहब आपका भी आभारी हूं, और देश की करोड़ों की संख्या में वो जनता जो इस कार्यक्रम को देख रही है YouTube पर, लाइव पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर। और मैं दर्शकों को बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया ही नहीं, चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देखने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी मेरे 20 साल पहले परिचित रहे थे, वो मेरा नंबर ढूंढकर मेरा अभिनंदन और समर्थन देने के लिए फोन कर रहे देश विदेश से कि आप इस विषय पर लगे रहिए, इसका मतलब हम सही दिशा में।
में है और हमने चुनी हुई राह सही है। हिंदुस्तान को जगाना है, उन लोगों के अंदर के हिंदुस्तान को जगाएंगे जो सोकर इससे कहीं डर गए हैं या इससे दूर हो गए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम सब मिलकर आज के कार्यक्रम के आखिर में यही करेंगे, यही कहेंगे कि वहां के पुलिस के अंदर जगाने की कोशिश करिए। कल हम किसी और मुद्दे के साथ, इसी ओवैसी के मुद्दे के नए एंगल के साथ आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, दोनों अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।